Good morning, students. Today we are going to start exercise 12.3. इस exercise में you have plane figures. कुछ दो figures का combination है. उसकी combination के बाद जो आपके पास area आ रहा है shaded, मतलब आपको figure given है, कोई दो figures given है, उन दोनों को combine किया होगा और कुछ region shade कर रखा है. आपको वो shaded region का area find करना है. So उसके लिए हम question से start कर रहे हैं कि आपको एक question given है क्या. Find the area of the shaded region in the given figure. ये आपको figure given है, where a circular arc of radius 6 cm. ये वाली आ गया 6 cm की और ये 6 cm की radius लेके हमने एक circular arc draw की है. Has been formed with vertex O of an equilateral triangle. ये O जो है ये circle के लिए center भी है और इस triangle का vertex भी. इक्वेटर ट्रायंगल होएगी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. इसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर. ठीक है, आपको ये कंप्लीट फिगर शेडेड है, कंप्लीट फिगर शेडेड है, आपको पूरे का एरिया फाइंड करना है. तो इसमें आपको दो फिगर्स गिवन है. फर्स्ट इज ट्रायंगल ओएबी एंड अनदर वन इज सर्कल, राइट. सो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखते हैं एरिया. Area of equilateral triangle OAB, right? OAB का area आपको equilateral triangle का formula directly याद होगा, root 3 by 4 side square, right? इस formula का use करके हम find कर सकते हैं कि equilateral triangle का area कितना है. So it is root 3 by 4 and side square, root 12 plus square. That is 2, 3 by 4 into 144. 12 is for 144. Cut, cut, is for root 3 into 4, 3 is 12, 24, 36. So, we have 36 root 3 centimeters square. Equilateral triangle ka area aata hamare paas 36 root 3 centimeters square. Now, is triangle ka hum ye part chhod dete hain, isko chhod dete hain. Now, इस सर्कल में देखो, ये जो ऊपर सर्कल है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंगल कितना होता है बच्चे? 60 डिग्री. यू नो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री. सो ये अगर 60 डिग्री है तो जो इसका ऊपर वाला एंगल है ये कितना होगा? कंप्लीट एंगल 360 होता है. 360 में से ये 60 हम सबट्रैक्ट कर दें, ये एंगल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री. मेजर आपका फॉर्मूला लगा लें. जरूरी तो नहीं है कि हमें माइनर सेक्टर फाइंड करना है, हम मेजर सेक्टर फाइंड कर लेते हैं. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है? 300 अपॉन 360 इंटू पाई 22 by 7 into r square, that is 6 square 36. ये सॉल्व कर लेते हैं हम. देखो सेक्टर का एरिया कितना आएगा? 300 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 is 30 and 6 6 is 36. So 5 upon 6 into 22 by 7 into 36. 36 is 6, cancel 6. Right? 6 5 is 30. 30 into 22 karo to 660 upon 7 centimeters square. ये किसका area आ गया? Major sector का. तो shaded region का area क्या होगा? शेडेड रीजन में हम इस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐड करते हैं जिस के साथ. कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? 36 रूट 3 प्लस मेजर सेक्टर का 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो क्या किया हमने? इस फिगर को दो कंप्लीट फिगर को हमने दो फिगर्स में डिवाइड कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल और मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड किया अलग से, इक्विलेटरल का अलग से फाइंड किया एंड देन वी ऐड. इन दिस वे ये हमने शेडेड पोर्शन फाइंड
Now, what's the next question? In a circular table cover of radius 32 cm, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. आपको एक ये फिगर दिया है, ये एक सर्कुलर टेबल है, इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी को लीव करके बाकी जगह पे डिजाइन. फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. आपको इस डिजाइन का एरिया, ये शेडेड वाला पार्ट आपको फाइंड करना है, राइट? इसका आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर, क्लियर? इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, लेट्स से ए बी. Now, equilateral triangle is with all sides. AG is equal to BC is equal to AC, right? Now, in triangle ABC, AO is 2 by 3 of AD. Triangle की property है. AO is 2 by 3 of AD. AO radius है 32. 3 को इधर multiply कर लो. A, which is equal to 48 cm. हमारे पास इस AD परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई 48 cm. हमें साइड फाइंड करनी है ट्रायंगल, सो दैट हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सके और उसको सर्कल में से सबट्रैक्ट कर सके. तो साइड फाइंड करने के लिए हम यहां पे फाइंड करना इसको पकड़ लिया ट्रायंगल ADB पे. ट्रायंगल ADB पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट? नाउ ए बी स्क्वायर को ऐसे कैसे रखो, बी डी स्क्वायर रखो. बी डी मतलब बीसी का हाफ, बीसी का हाफ होगा बी डी, क्योंकि हमने यहाँ पर पर्टिकुलर बाइसेक्टर रोक दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल में. तो ये बी डी जो है ये BC का हाफ है, तो BC अपॉन 2 लिख सकते हैं. लेकिन BC AB के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सारी साइड्स इक्वल है, तो आप BC को AB लिख सकते हैं. सो आई एम रिप्लेसिंग BD विद AB बाय 4 स्क्वायर. रीजन क्या है? BD इज BC अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू AB बाय नाउ प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज 48 का नाउ ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी बाय 2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 48 का 4 माइनस 1 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48. Now, just check this. क्या आ जाएगा यहाँ पे? AB is equal to 48 into 4 by 3. 48 का स्क्वायर था और इसका साइड है तो मैं सिर्फ प्लस का केस ले रही हूँ. स्क्वायर से टू कैंसिल, 4 का रूट 2 48 अपॉन रूट 3 आएगा. रूट 3 को हम रैशनलाइज कर देते हैं, सो इट विल बी 3 और 3 और 48 को कट करोगे तो आएगा 16 इनटू 2 दैट इज 32 रूट 3. जस्ट टेक इट वंस. रूट 3 इनटू रूट 3 3 3 को 48 से कट कर लो, 16 इनटू 2 32 एंड रूट 3 32 रूट 3 सेंटीमीटर. साइड आ गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल. कौन सी साइड आ गई है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड आपके पास 32 रूट 3 है, आप एरिया फाइंड कर सकते हो. अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ ए बी सी दैट इज रूट 3 बाय 4 साइड स्क्वायर. पुट द वैल्यू root 3 upon 4 side 32 root 3 whole square. I'll erase this. क्या आएगा यहाँ पे देखो,
3 by 4 into 32 into 32 and 50 plus 1. Four into 32, 2, 3 and 24 into 32 into 3. Now, calculate this. 4 into 3. 6. Equilateral triangle ka area. Now, we circle ka area, pi r square. Circle ka area, pi r square, where r is 32 cm. And then separate this area from circle's area. Area of circle. Pi r square. That is 22 pi 7 into 32 square. And area of design. 22 by 7 into 32 square. Circle के एरिया से माइनस कर दो. ट्रायंगल का एरिया. तो ये सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? 32 स्क्वायर. 22 by 7. Shaded.